निकाल दिया और आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। आज महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष में एक बार होने वाली भस्म आरती जो कि दिन में होती है संपन्न हुई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे। प्रशासन ने काफी अच्छी यहाँ पर सुविधाएं मुहैया करा रखी थी और ये एकमात्र मौका होता है जो कि विश्व में एकमात्र मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पर वर्ष में एक बार भस्म आरती दिन में होती है। रोजाना ये भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, लेकिन आज ये भस्म आरती दिन में हुई और महाशिवरात्रि पर्व पर ही है, एक दिन बाद जो कि सेहरा चढ़ता है, सेहरे के बाद ये भस्म आरती संपन्न होती है। आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज के लिए नीलेश मालविया की। हमारे साथ श्रद्धालुगण मौजूद है जो कि यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इस श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि आज यहाँ पर आके इन्होंने कैसा लगा, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम मयूर है, मैं इंदौर से आया हूँ। आज महाशिवरात्रि के बाद आज दिन में भस्म आरती होती है, कैसा लगा बात? मैं हर शिवरात्रि पर यहाँ दर्शन करने आता हूँ, पर इस बार मैंने भस्म आरती का आनंद लिया है और दिन में ये भस्म आरती साल में एक बार होती है। बाबा महाकाल की महाशिवरात्रि पर्व की सभी को शुभकामनाएं और उसी के साथ तो बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती जो साल भर में एक दिन के समय होती है वो परिपूर्ण हुई है और इसकी विशेषता यही है कि सारे दिन साल के जितने भी दिन रहते हैं उसमें रात्रिकालीन में भस्म आरती होती है, पर एक दिन या इस दिन आज का दिन जो रहता है शिवरात्रि पर्व के बाद का दिन जो रहता है उस दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती दिन में होती है। ये अपने आप में विशेष कृपा है महादेव की और जो भी भक्तगण इस भस्म आरती के लाभ लेता है और आज के दिन दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है और बाबा के विशेष कृपा के उपास। जिस तरह बाबा को सुंदर झूला बनाया गया जी, बाबा महाकाल को आज रात्रि में अभिषेक हुआ, उसके बाद 4 बजे बाबा महाकाल को प्रातःकाल में मुखौटा चढ़ाया गया है और उसके बाद में दूल्हे रूप में उनको श्रृंगारित करा जिसमें 125 पुष्प का उपयोग करा गया था। उसके पश्चात 11 से 12 बजे तक बाबा महाकाल दूल्हे रूप में ही सजे हुए रहे और दूल्हे रूप में सभी भक्तों को दर्शन दिए। उसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती का क्रम चला। ये आपका प्रणाम पुजारी यश, जय श्री। दिन में भस्म आरती की गई उसका क्या महत्व है? पर्व है बाबा महाशिवरात्रि का और बड़े हो हल्ला से नवरात्रि का नवरात्रि का ये उत्सव बहुत आनंद से मनाया गया। प्रतिवर्ष अनुसार भी इस वर्ष भी भगवान महाकाल बाबा को कुंतलों से सेवा चढ़ा बाबा को, तो वर्ष भर में ही एक ही बार दिन में भस्म आरती होती दोपहर में। उसके पहले पश्चात भगवान का पंचामृत पूजन वगैरह होता है, पंचामृत के बाद बाबा का श्रृंगार होने के बाद भस्म धारण किया जाता है। खैर पूरे भारत में एक ही मंदिर है जो दिन में इस प्रकार की भस्म आरती होती है। भगवान महाकाल दक्षिण मुखी है, काल के अधिपति है, ब्रह्मांड के नायक है, तीन लोक के दाता है। भगवान महाकालेश्वर को दक्षिण मुखी होने से भगवान को एकमात्र ऐसा स्थान है कि जो जिसको भस्म करना देती है। दिन में भस्म आरती के बाद महाशिवरात्रि एक दिन बाद होती है, एकमात्र भारत में स्थान है। पूरे भारत में विश्व में क्या पूरे विश्व में एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको जी भगवान के दिन में भस्म आरती थी। यो आधा दिन जो होते ही भस्म आरती भोर में 4 बजे होती है। रोहित कमल कांत शर्मा महाकालेश्वर मंदिर पर्व पर ये भगवान महाकाल जो अवंती का नगरी है साधक है, यह साधना करने से जो भक्त की इच्छा होती है उसका प्राप्त होता है। कान से सुना, आँख से देखा, किसी प्रकार से कोई टूटी ले जाती है तो वही भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, तो भोले भंडारी सबका माफ भी दूर करते और सब कष्ट भी निवारण करते हैं और बाबा की ऐसी कृपा सब भक्तों पर बनी रहे जिसका सबका कल्याण होता रहे, मनुष्य का, जीव का, जंतु का, सबका कल्याण होता है। यहाँ कृष्ण पक्ष पंचमी से भगवान को शिव नवरात्रि उत्सव प्रारंभ हो जाता है जी। जो भगवान का चतुर्दशी अमावस्या तक भगवान का शिव उत्सव चलता है और यहाँ पर बाबा का एकादश ब्राह्मण द्वारा भगवान का एकादश की रुद्राभिषेक होता है। पूजा अर्चना करने से सब रोग धोख पीड़ा आदि संकट निवारण होता है, क्योंकि बता दें कि भगवान महाकाल है कैसे जाता है कि काल उसका क्या कहे, जो भगवान भक्त महाकाल के हैं तो उनका काल भी कुछ नहीं कर सकता है। अब तो बड़ा नाम कमलकांत शर्मा महाकालेश्वर मंदिर इच्छा हमेशा आते हैं अभी आए हमेशा महाशिवरात्रि के। आज शिवरात्रि पे दिन में भस्म आरती आपने देखी, जैसा महसूस किया? वैसे तो हमेशा ये मॉर्निंग के टाइम पे होती है, उसकी अनुभूति कुछ अलग ही होती है, लेकिन आज दिन के समय में जो हमने देखा वो कुछ अलग ही था। और मैं भारत में लगभग बहुत जगह भ्रमण करता हूँ मंदिर
लेकिन यहाँ पे आके जो सुख और ऐसी अनुभूति जो प्राप्त होती है, अब आप देख सकते हैं कि सुबह से अभी मैं रुद्राभिषेक के लिए इंतजार में हूँ, लेकिन कोई थकान नहीं है, खाली पेट अभी कोई थकान नहीं। महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा है, इस जगह की कृपा है, और हमारे पुरोहित कमल शर्मा जी की ये कृपा है कि जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे रुद्राभिषेक और जो भी अनुष्ठान या पूजा पाठ करता हूँ एक पुरोहित जी के चरणों से ही करता हूँ, उनके उनके साथ करता हूँ, और सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी भी हुई है। आपका जो नाम? मेरा नाम नितेश शर्मा। के अंदर शिव नवरात्रि महाउत्सव महापर्व आज संपन्न हुआ है। बाबा महाकाल की महाभस्म आरती की गई है, भगवान को दूध दही सीर का अभिषेक किया गया, पूजन किया गया है, उसके पश्चात बाबा महाकाल की आरती पूजन के साथ में शिव नवरात्रि महोत्सव पर्व संपन्न हुआ है। जय महाकाल।